This channel does not promote or encourage any illegal activities. All content provided by this channel is meant for educational purposes only. Trading in any form involves risk. So before everything you do, analyze your financials and then decide. We are not responsible for your any kind of losses. 18 plus. आज के वीडियो में हम क्या है गोल्ड का वीकली एनालाइज करने वाले हैं एक्स ए यूएसडी का। तो जैसे कि आज मैंने लेवल ऑलरेडी निकाल लिया और ड्रा कर लिया, तो जैसे कि सिंपल हमने लेवल ड्रा किया, तो अगर नॉर्मल मार्केट जो है यहाँ से यहाँ नीचे अगर आती है तो यहाँ पे हम बाई लेने का ट्राई करेंगे। यहाँ पे अगर हमें पाता हूँ तो अच्छी एंट्री होगी बाई के लिए, बाई के लिए एंट्री लेंगे। और उसके बाद जो टारगेट हमारा होगा, मान लो यहाँ से मिला तो यहाँ तक पहला टारगेट हो सकता है, सेकंड टारगेट यहाँ तक हम दे सकते हैं, समझ रहे फ्रेंड। अब इसके अलावा हमें क्या, जैसे अगर सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है तो गोल्ड में सेल तभी लेना है जैसे कि नॉर्मल सब मार्केट ये है, इसको ब्रेक करके हल्का रीटेस्ट करे, उसके बाद तो हम सेल के लिए ले सकते हैं। अगर रीटेस्ट नहीं करा तो कोई ज़रूरी नहीं कि ज़बरदस्ती हम इसमें घुस जाएं। सबसे बड़ी हमारी गलती क्या, हम वेट नहीं करते। तो फ्रेंड ये हमेशा अपने मतलब आप सेल या भाई ले रहे हो क्यों ले रहे हो उसका रीज़न आपको पता होना चाहिए। उसके बाद स्टॉप लॉस जरूर से ज़रूर रखें, रिस्क रिवार्ड फॉलो करें, अदरवाइज ज़रूरी नहीं बस घुस जाओ, ट्रेड ले ही लो ना लो निकल जाए, मार्केट थोड़े भाग रही है। तो सिंपल सा हमारा जो नेक्स्ट वीक का टारगेट है, कहने का मतलब सिंपल सा ये है भाई, अगर ये नीचे आती है, अगर इसको ब्रेक करे तब जाके हम अगर ब्रेक करके रीटेस्ट करे तो नीचे के लिए ट्रेड लेंगे। अदरवाइज हमारा जो टारगेट है नॉर्मल सा यहाँ तक अगर आती है तो हम बाई के लिए सोचेंगे, बाई के लिए पहला टारगेट यहाँ पे, सेकंड यहाँ, अगर इसको भी ब्रेक करके रीटेस्ट करता है या ये भी रीटेस्ट तो यहाँ तक मतलब सोच सकते हैं। तो इस तरीके से ट्रेडिंग करेंगे नेक्स्ट वीक के लिए। ये 4 घंटे के टाइम फ्रेम में हमने एनालाइज किया। बाकी मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है पहला तक जो करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।